होम वेलकम टू मनालका किचन। मनालका किचन में आपको वेलकम है। तो रहिए मेरे साथ, सीखिए घर के आटे से, गेहूं के आटे से बनी हुई पंजीरी, सर्दियों की सौगात, और सीखते हैं इस रेसिपी को कि मेरे घर में कैसे बनती है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ रेसिपी को, करते हैं अपनी रेसिपी। आज हम आपको अपने घर के स्टाइल की पंजीरी बनाना बता रहे हैं, और ये भी थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि कैसे इसकी रेसिपी स्टार्ट होगी। कि मेरे पास घर का आटा है, गंदुम का आटा है, ये मैदा नहीं है, ये मैदा एक कप है, ये घर का आटा, व्हीट फ्लोर। उसके बाद ये 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है, ये शक्कर है, ये आप देख सकते हैं, ये मगज़ है 4, ये थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ये आप कोकोनट ड्राई, और ये मेरे पास अंजीर है 4 से 5, और तकरीबन 3 टेबलस्पून मेरे पास मेवा है। मेवा कोई सा इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर भी इसमें डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप इस रेसिपी को हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन जो थोड़ा बड़ा हो, आप इस तरह थोड़ा गर्म कीजिए, और मैंने ऑयल डाले बगैर इसमें सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ ये आटा। इस आटे को हमने थोड़ा सा सुनहरा करना है पहले, ऑयल के घी के बगैर। इसमें देसी घी जाएगा लेकिन वो हम बाद में शामिल करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा भूनते हैं, रोस्ट करते हैं, ड्राई रोस्ट करते हैं इसको, और जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाएगा तो इसमें हम घी, देसी घी ऐड करेंगे। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन फिर सर्दी का मौसम है तो आप इसमें घी, देसी घी शामिल करें। तो मेरे पास घर का बना हुआ घी है, मैं वही शामिल करूँगी इसमें। इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के घी शामिल करेंगे हम, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर के बाद। अच्छा, आटे में से हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू आने लग गई है, इसे 5 मिनट तक हम और भूनेंगे। अच्छा, हल्का हल्का सा ये सुनहरा होना शुरू हो गया है, कैमरा पता नहीं आपको दिखाता है या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया, और ये कुछ हम इसे घी में भी भूनेंगे, देसी घी में। तो अभी हम इस स्टेज पे इसमें घी शामिल करते हैं 3 से 4 टेबलस्पून भर कर। अच्छा, ये मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून एक कप आटे के अंदर मैंने देसी घी शामिल की है। इसे हम अच्छे से दोबारा से भूनेंगे। अच्छा, घी डालने के बाद इसे हमने 2 से 3 मिनट और भूनना है, और फिर इसे हमने एक अलहदा बर्तन में निकाल लेना है, क्योंकि हमने ड्राई रोस्ट करना है, ऑयल में, घी में रोस्ट करना है उन नट्स को जो हमने इसके लिए रखे हैं, पंजीरी के लिए, आटे की पंजीरी के लिए। तो इसे हम अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। अच्छा, अब हमने उसे रोस्ट करके निकाल लिए देसी घी में आटे को। अब हमने दोबारा देसी घी डाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून भर कर, ठीक है। अब हम ये धीले धीले हुए तमाम ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे, और इसको हम रोस्ट करते हैं इसमें देसी घी के अंदर, ताकि इनका अच्छे से फ्लेवर, खुशबू निकल कर बाहर आ जाए। अब यकीन मानिए कि बहुत टेस्टी है ये, आप लोग अपने घरों में बनाइए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और जवान बच्चों के लिए ये बहुत, 1 ग्लास दूध के साथ आप यूज़ करें, और ये आप दवाइयाँ और इस तरह की चीज़ें लेते हैं ना, उससे बेहतर है कि आप ऐसी कोई हेल्दी चीज़ खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसे ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट ही हमने इसे फ्राई करना, बस थोड़ा सा इनका फ्लेवर निकल के बाहर आ जाए तो बस इतना। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट की मिकदार बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास मौजूद था वो मैंने वही चीज़ें डाली हैं। आप अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से जो बच्चे पसंद करते हैं वो चीज़ें डाल लीजिए। अब हम इसे स्टेज पे शामिल कर रहे हैं, हमने जो आटा रोस्ट करके रखा था सारा, वो हमने आटा भी इसमें डाल दिया। अब हम इसे दोबारा से भूनते हैं थोड़ा सा, 3-4 मिनट और भूनेंगे हम इसे। अब हम इसी स्टेज पे ये शक्कर शामिल करते हैं, ये हमारे पास शक्कर है तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के। अब हम इसे दोबारा से कुछ देर भूनते हैं, तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसे दोबारा ही चीज़ें डालने के बाद भूनना है। अच्छा, ये तकरीबन भून चुका है, 10 मिनट हमने इसे और भूना है। इसका मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने टेस्ट इसका चेक करके देखा है। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप मकदार बढ़ा दीजिए, वैसे मेरे हिसाब से 3 टेबलस्पून शक्कर भर के, लेकिन आप चाहते हैं तो चीनी में बनाइए, या गुड़ को भी आप डाल सकते हैं शीरा बना के,
लेकिन मेरे पास जो मौजूद था मैंने उसी में बनाया। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अच्छा डिश आउट करते हैं आपको दिखाने के लिए, मैंने इसे डाला नहीं है पहले। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही, आप चाहें तो ये सब ड्राई फ्रूट जो है ना इनको आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे आपको दिखाना था इसलिए मुझे ऐसे ही रखना था। नहीं तो फिर ये होता है कि बच्चे चुन चुन के निकाल देते हैं, जी ये नहीं खाना ये नहीं खाना। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। चैनल पर आइए, चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। आपको अपनी रेसिपी की फाइनल लुक मैं बता रही हूँ। अच्छा ये देख सकते हैं आप, मैंने इसकी फाइनल लुक आप लोगों को दिखा दी है। और आप लोगों को अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कि आप लोगों को ये कैसी लगी मेरी रेसिपी, माई होम स्टाइल रेसिपी। दुआ में याद रखिएगा। बुजुर्गों को सलाम, बच्चों को प्यार। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।